हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने विवेक एजुकेशन में। दोस्तों, हम इसमें जीके से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को देखेंगे जो बेहद इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मुगल कालीन साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कुछ ग्रंथ के नाम और लेखक के नाम लेके आए हैं। ठीक है, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला जो हमारा है वो है बाबरनामा। जो बाबरनामा है, बाबरनामा ग्रंथ जो है वो बाबर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है अकबरनामा। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी। ये जो है जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है पादशाह नामा। ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा है खुलासात उत तवारीख। ये जो है सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखा गया था। खुलासात उत तवारीख जो है वो सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा है फुतुहात ए आलमगिरी। ये ईश्वरदास नागर द्वारा लिखा गया था। फुतुहात ए आलमगिरी, फुतुहात ए आलमगिरी जो है वो ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा है नुस्खा ए दिल कुसा। ये भीमसेन बुरहानी बुरहानपुरी के द्वारा लिखा गया था। नुस्खा ए दिल कुसा ये भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा लिखा गया था। तबकात ए अकबरी ये निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तबकात ए अकबरी ये निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, ये हमारा मुगलकालीन साहित्य से रिलेटेड था। आइए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कुछ पुस्तक हैं जो कुछ बुक्स हैं जो है और उनके लेखक, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस बुक का या तो बुक का नाम दे देगा और ऑप्शन में आपको लेखक का नाम दिया रहेगा। जो भी लेखक का नाम रहेगा उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला आपका जो पुस्तक है, बुक है, उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है गीता रहस्य। इसके जो लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य के जो लेखक हैं वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हमारा है द लाइफ डिवाइन। इसके जो लेखक हैं अरविंद घोष हैं। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडियन स्ट्रगल। इसके जो लेखक हैं इंडियन स्ट्रगल के कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं, अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हमारा है ए नेशन इन द मेकिंग के जो लेखक हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ए नेशन इन द मेकिंग के जो लेखक हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, यानी कि हिंद स्वराज के भी लेखक महात्मा गांधी हैं और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो हैं वो भी महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी जो है उसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। प्रिजन डायरी के जो लेखक हैं वो कौन है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हमारा है मदर इंडिया। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो। संघर्ष की ओर, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर के लेखक जो हैं वो कौन है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हमारा है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ के लेखक भगत सिंह हैं। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, इसके लेखक भगत सिंह हैं। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन थ्रेश होल्ड, इसके लेखक सरोजनी नायडू। गोल्डन थ्रेश होल्ड के लेखक सरोजनी नायडू हैं। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में। ठीक है,
हिंदी में भारत एक खोज और इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू। इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये हम कुछ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन और मुगलकालीन साहित्य यानी कि इतिहास से रिलेटेड कुछ टर्म आप लोगों के समक्ष लाए थे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जो भी हमारी वीडियो आएंगी वो आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।